अल्लाह मेश अमीगोश, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में, और यहाँ से बनाती रहती हूँ आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ट्रैवल ब्लॉग्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो भी न्यू अपडेट है वो आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप मिस कर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मुझे आपको अपडेट देना है कि पोर्चुगल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि और भी बहुत सारे नए सेंटर्स खुलने वाले हैं पूरे कंट्री में, और जो सेंटर्स होंगे वो 15 सेंटर्स होंगे, ये कुछ ही वीक्स में खुलने वाले हैं। तो अगर आपको पता हो तो सितंबर में पिछले महीने खुला था एक बड़ा सेंटर लिस्बन में, और अभी जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग खुलने वाला है पोर्टो, ब्रागा और भी बहुत सारी सिटीज़ में। तो जो सितंबर में खोला था सेंटर लिस्बन में, उसमें डेली 1000 केसेस वहाँ पे सॉल्व किए जा रहे हैं, लेकिन जब ये 15 सेंटर्स हो जाएंगे तो ट्रिपल किया जाएगा इन केसेस को, यानी कि एक दिन में 3000 केसेस भी सॉल्व हो सकते हैं। तो ये खबर कंफर्म की है मिनिस्टर अंतोनियो लेइताउ अमारो ने, और उन्होंने बताया है कि वो और जो जितने भी पेंडिंग केसेस है, जब वो सैफ से आईवा में ट्रांसफ़र हुआ था तब 4 लाख के करीब केसेस थे, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है और उम्मीद है कि अगले साल 2025 के जून तक ये सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं फाइल लॉक केसेस की, जो कि मैनिफेस्टर्स ऑफ द इंटरेस्ट से अप्लाई किए हैं लोगों ने। इसके अलावा भी बहुत सारा बैकलॉग है, जैसे रिन्यूअल के लिए, फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए, और भी बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल से जो अप्लाई करते हैं रेजिडेंसी, वो भी पेंडिंग है। और क्योंकि उनका पूरा फोकस है फाइल लॉक वाले केसेस को सॉल्व करने के लिए, तो ये वाला बैकलॉग अभी फिर से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ द इंटरेस्ट वाला जो है बैकलॉग वो क्लियर कर दिया, तो उसके बाद सिर्फ रेगुलर जो हैं आर्टिकल 90 और टेक वीज़ा, ये सब उन्हीं के लिए किया जाएगा, क्योंकि फिर से कोई और फाइल लॉक नहीं कर पाएगा। तो मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि ये सेंटर्स जो खुल रहे हैं वो सिर्फ रेगुलराइज करने के लिए नहीं है, सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, वो इसीलिए भी है क्योंकि उनको पता चलेगा कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो क्या काम कर रहे हैं और कौन सी सिटी में रह रहे हैं। तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइल लॉक करके या तो दूसरी कंट्री में चले गए हैं, या फिर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, या बहुत और सारे केसेस हैं जैसे कि कोई अगर इंडिया से है तो वो इंडिया में वापस चले गए हैं, और अभी वो फाइल लॉक करके कोई उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जिससे कि अभी वो फिर से जा करके सबमिट कर पाए। तो ये सब चीज़ों का डेटा उनके पास भी होना चाहिए कि फाइल लॉक करके लोग ने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे क्या वो प्रॉपर है या नहीं है, और वो कौन सी सिटी में लोग रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा उनके पास भी होना चाहिए। तो जितना ज़रूरी हमारे लिए है, आप लोग के लिए है कार्ड मिलना, उतना ही ज़रूरी इनके लिए भी है, क्योंकि बहुत सारे नए लॉ इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं जिससे इमिग्रेशन को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया जा सके। तो पहले वाले गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए थे, अभी भी हमें न्यूज़ में आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि ये अपडेट हो रहा है, वो अपडेट हो रहा है, ये नया लॉन्च हो रहा है, लेकिन एटलीस्ट चीज़ें काम कर रही हैं, कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि सेंटर्स भी खुल रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बार कुछ हो पाएगा और जो ये बैकलॉग है वो क्लियर होगा, और उसके बाद चीज़ें और भी स्मूथ हो जाएगी। तो ये था अपडेट आपके लिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, और मेरा डिस्क्रिप्शन भी आप जाकर के चेक कर लीजिए, आपके लिए वहाँ पर कुछ लिंक हैं, कुछ डिस्काउंट्स हैं जो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप घर ढूंढ रहे हैं पोर्चुगल में, तो अगर आप मेरे लिंक से अप्लाई करते हैं, मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, तो आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा यूनिप्लेसेस की वेबसाइट पर। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाचा।